स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर उपभोक्ता कर रहे हैं विरोध। वर्तमान और पूर्व विधायक ने बिजली विभाग को दी अंतिम चेतावनी। बायसी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य जारी है, जिसको लेकर लोग हैरान परेशान है। कई जगह मीटर नहीं लगाने देने का विरोध करने पर बिजली विभाग के कर्मी द्वारा उपभोक्ता को डराने धमकाने का भी मामला आया, जिसको लेकर लोगों ने स्थानीय विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद और पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुबहान को इसकी शिकायत की थी। जिसके बाद मामला को संज्ञान में लेते हुए बायसी के वर्तमान विधायक एवं पूर्व विधायक ने बायसी के उपभोक्ताओं एवं गणमान्य लोगों के साथ मिलकर बायसी बाजार में एक मीटिंग की, जिसमें सर्वसम्मति से स्मार्ट मीटर तत्काल न लगाने की बात रखी गई। वहीं लोगों का कहना था कि हम सब स्मार्ट मीटर का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये लोगों के लिए बहुत ही मुसीबत की घंटी है। यहां बिजली की अभी जो समस्या है उन पर ठीक से कोई कार्य नहीं हो रही है। बिजली व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है, जिस पर कोई कार्य नहीं हो रही है। वही मौके पर वर्तमान विधायक ने फोन के माध्यम से बिजली विभाग के एसी से बात कर स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाई। बता दें कि स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा के लिए विभाग एवं कई आला अधिकारी से आगे एक बैठक करेंगे, जिसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाई गई है। वही पूर्व मंत्री ने स्मार्ट मीटर को लेकर चिंता जताई और उन्होंने इससे होने वाले हानि के विषय में लोगों को बताए। वहीं उन्होंने बिजली विभाग के लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि विभाग पहले बिजली की समस्याओं का समाधान करे, बिजली की मुकम्मल सुधार हो, बायसी को बायसी सब स्टेशन से जोड़कर 24 घंटा बिजली उपलब्ध कराया जाए। वहीं इस मौके पर जिला परिषद प्रतिनिधि तारिक अनवर उर्फ परवेज नाज, जिला परिषद मुख्तार आलम, आशू जैन, प्रशांत कर, राम सागर, शमशीर रजा, मुखिया प्रतिनिधि पप्पू आलम सहित बाजार के सैकड़ों उपभोक्ता एवं दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित थे और सभी ने स्मार्ट मीटर का विरोध किया। आज मीटिंग की गई थी, क्या कुछ बात चर्चा हुई और क्या निर्णय लिया गया? इधर एक सप्ताह से बायसी में स्मार्ट मीटर की चर्चा हो रही थी और दो तीन दिन पहले से पता चला कि बायसी में ठेकेदार द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। कई जगह लग भी चुका है, एक दो स्मार्ट मीटर कहीं कहीं लग भी चुका है। हम लोगों को कल पता चला तो कल हम लोगों ने आंसू साहब के कहने पर हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग कल बैठे हैं बायसी में, तो बायसी में विधायक जी को भी बुलाइए और कुछ लोगों को बुलाइए, लोकल लोगों को बुलाइए। उसी पर आज बैठक हो रही है और इस बैठक में चूँकि बारिश भी हो रही है अभी, तो जो और लोगों को कुछ मुख्य लोगों को आना था वो लोग नहीं आ सके। इसमें हम लोग जो निर्णय पर पहुँचे हैं कि एक तो बिजली की कमी है, बिजली जो भी दिया जा रहा है उसमें वोल्टेज की कमी है। वोल्टेज हम लोग को 150 से ज़्यादा हम लोग को नहीं मिल रहा है और 150 से ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो हम लोग का न एसी चल पा रहा है, न मोटर चल पा रहा है, न ठीक से पंखा चल पा रहा है, न ठीक से हमारा कोई काम हम लोग का हो रहा है। बढ़िया से बिजली नहीं दिया जा रहा है। हम लोग का ये डिमांड है, एक तो सबसे पहला डिमांड हमारा पुराना है कि जो चौचा स्थित ग्रिड है हमारा बायसी का, बायसी ग्रिड से बायसी को जोड़ा जाए, सबसे पहला डिमांड है। और अगर नहीं जोड़ते हैं तो हमने कहा है कि 6-7 अगस्त से हम लोग कोई निर्णय लेंगे, तो वो 6-7 तारीख तक हम लोग उसमें हैं। दूसरा डिमांड ये है हम लोग का कि जो अभी आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं उसको तत्काल स्थगित किया जाए और एक उच्च स्तरीय बैठक हम लोग SDO मैडम के यहाँ, बायसी अनुमंडल मुख्यालय में SDO मैडम के मौजूदगी में, जिला के AC साहब आ जाएं, HKDIP साहब आ जाएं, AE और JE रहें उसमें, विधायक जी रहें और जनप्रतिनिधि जो बायसी के हैं वो लोग भी रहें और बायसी के जो लोकल मतलब गणमान्य व्यक्ति हैं वो लोग रहें। तो ये तय हो गया, SDO मैडम से बात हुई विधायक जी को कि मंगल के दिन 11 बजे से बायसी मीटिंग हॉल में बैठक होगी। तो अभी हम लोगों का ये कहना है फिलहाल कि तत्काल स्मार्ट मीटर लगाना बंद करें, स्थगित कर दे उसको। उस दिन फिर क्या हो रहा है, क्या निर्णय होगा, उस निर्णय के बाद ही कुछ हो। क्योंकि है एक शिकायत यह है कि जो तार लगा हुआ है तो ये तार मैंने कम पावर का है सर, कम वोल्टेज ले पाता है, ये ओवर वोल्टेज नहीं ले पाता है, तो वो तार जल जल के कहीं कहीं गिर जाता है, बहुत जगह गिर जाता है, तो आदमी को मतलब एक्सीडेंटल खतरा होने का ये है। तो इसको तार को भी बदलना है, वोल्टेज जो कम आ रहा है इसका क्या मतलब हम लोग को क्या ये उपाय करेगा, तो बहुत सारी समस्या है। इस पर मंगल के दिन तक
हम लोग जो बैठक करेंगे, स्मार्ट मीटर लगाने वाले कोई भी हैं, जो भी है ठेकेदार जो भी है, तो कृपया यहाँ के उपभोक्ता को तंग न करें और कोई धमकी चमकी ना दें। उस दिन आप लोग भी रहें, ठेकेदार साहब भी रहें, तब ना हम लोग समझेंगे कि भाई अब क्या मामला है। तो यही हम लोग का आज यही निर्णय हुआ। विधायक जी हैं और तमाम लोग हैं, ऐसे में क्या कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं? आज बायसी बाजार में इसी समस्या को लेकर यहाँ के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सुबहान साहब और यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों के लिए बीच आपसी जो ये बैठक हुई है और जो प्रीपेड जो स्मार्ट मीटर की समस्या को लेकर जिस पर विस्तारित चर्चा हुई है। एक तो इस इलाके में बिजली प्रचुर मात्रा में होता नहीं है, यहाँ के उपभोक्ताओं को सिर्फ सरकार राजस्व के उगाही का संसाधन माना है और विद्युत आपूर्ति की बहुत ही कमी है। इस पर हम लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी के मौजूदगी में मंगल को एक बैठक निश्चित किया है, जिसमें हम लोग बैठकर यहाँ की सारी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। चूँकि यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्रों के हालात हैं बद से बदतर हैं और एक महीना से निरंतर ये शिकायत आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है और उपभोक्ताओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इस पर विस्तारित आप लोगों को हमारे पूर्व विधायक जी ने भी बताया और इन सारी समस्याओं पर बात होगी। और मैं खासकर विभाग के वरीय पदाधिकारी को कहना चाहूँगा कि अभी जो ये स्मार्ट मीटर की समस्या है इसको यथावत रखें, जब तक उस स्तरीय बैठक नहीं होगी तब तक ये मीटर कहीं नहीं लगेगा। अगर उपभोक्ताओं को बाध्य किया गया तो यहाँ की जनता स्थानीय तौर पर आंदोलन के लिए बाध्य होगी। देखिए, बिजली की समस्या तो बहुत दिनों से यहाँ पर है, बायसी विधानसभा में, आज से नहीं पूर्व से ही है। और अभी एक नया आन के जो है पब्लिक को थोपा जा रहा है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर लगाने से पहले सरकार को चाहिए जो सबसे पहले तार और पोल इसको पहले स्मार्ट करे और हमारे जो महिलाएं देहात की जो है पहले उसको पर जो है ट्रेनिंग दिया जाए। क्योंकि रात के 12 बजे में किसी के घर में लाइट कट जाएगी तो उस समय क्या करेगा वो ना ही पे फोन करने जानती है ना ही मतलब इनके विभाग के लोगों को फोन करते हैं तो वो फोन रिसीव करते हैं। और बहुत सारी समस्या है बायसी में, और मिस्त्री की सबसे ज्यादा यहाँ कमी है। जो यहाँ पर इनके तार का फॉल्ट ठीक कराने के लिए आते हैं तो वो लोग फिर दोबारा आने के लिए फॉल्ट को छोड़ देते हैं और प्रति ग्राहक से 1,000 रुपया करके लेते हैं। और अभी हमारा सामने में हम लोगों का जिला परिषद का 8 तारीख को उनके मीटिंग है जिला में, इसकी भी चर्चा हम लोग जिला में करेंगे। जो स्मार्ट मीटर हम लोगों का बायसी विधानसभा में नहीं लगना चाहिए, स्मार्ट मीटर लगने से पहले बायसी विधानसभा का जो तार है जर्जर और पोल जो है उसको पहले स्मार्ट किया जाए, तब हम लोग इसका हम लोग लगाएंगे। अगर सरकार अगर इनके जबरदस्ती करेगी हम लोगों के साथ तो हम लोग इनके सड़कों पर जो है आम जनता के साथ इनके लोग सड़कों पर उतरने के तैयार हम लोग। जिला पार्षद प्रतिनिधि तारिक अनवर उर्फ परवेज नाज। आज निर्णय लिया गया, विधायक जी ये लोग बता दिए, लेकिन स्मार्ट मीटर से सबसे बड़ी दिक्कत ये है जैसे अभी लाइन है, तार है, इंसुलेटर है, ट्रांसफार्मर है, इसका जो मिस्त्री है वो विभाग के पास उपलब्ध है तो वो चीज़ वो ठीक नहीं कर पा रहा। वोल्टेज कभी भी 150 से ज़्यादा नहीं मिलता, जब इसको ठीक नहीं कर पा रहा, स्मार्ट मीटर का कोई मैकेनिक है नहीं उसके पास, अचानक रात में बैलेंस 0 हो जाएगा, किसी का 2 बजे रात में लाइन कट जाएगा, 12 बजे रात में लाइन कट जाएगा, आदमी कहाँ से रिचार्ज करेगा, कैसे लाइन चालू करेगा, गर्मी में ऐसे मर जाएगा लोग। जब इंसुलेटर आपका पंचर हो जाता है बार बार थोड़ी सी बारिश में तो आप मीटर का क्या उखाड़ लीजिएगा, उसको तो ठीक कर ही नहीं पाइएगा, आदमी तो ऐसे मर जाएगा उसमें। बिल जो लगेगा लगेगा, जैसे लगेगा, कब लाइन कटेगा क्या होगा इसका कोई समस्या नहीं, ये सब पहले सुधार करें उसके बाद स्मार्ट मीटर देखा जाएगा। निर्णय लिया गया आगे की कार्यवाही। मीटिंग में हम लोग बिजली विभाग द्वारा जो बाजार में बिजली सप्लाई बायसी में बिजली सप्लाई की जा रही है वो लगातार 3 महीने से विफल है। जगह जगह पर तार हर 3 घंटे के बाद बाजार में तार गिर जाता है, इससे जान माल की हानि हो सकती है। बिजली का वोल्टेज 150 से ऊपर जाता ही नहीं है और जब तार गिर जाता है तो 3-3 घंटे 4-4 घंटे तक यहाँ कोई मिस्त्री नहीं आता है देखने के लिए, जबकि पावर ग्रिड से मात्र 0.5 किलोमीटर में बाजार स्थित है। यहाँ ना यहाँ कोई मिस्त्री है, ना एसडीओ को फोन करो वो फोन उठाता है, ना एसपीडी फोन उठाता है, सब कोई एक दूसरे पर टोपी पहनाकर यहाँ काम करते हैं। क्या मांग करते हैं? हमारी मांग है कि यहाँ पर तार को चेंज किया जाए, ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ाया जाए
और बिजली की अनियमित जो सप्लाई है उसको सुचारू रूप से किया जाए। मेरा नाम आश्रम जय। स्मार्ट मीटर जो है नहीं लगना चाहिए, इससे भी देहात गांव में लोग जागरूक नहीं है। लोग जो है अगर स्मार्ट कार्ड लग जाएंगे तो लोग को बहुत बड़ा समस्या होगा, इसलिए हमारा गुजारिश है कि स्मार्ट कार्ड नहीं लगना चाहिए। स्मार्ट मीटर की मांग है। देखिए बिजली का समस्या इतना है फंस के जाना थोड़ी सी हवा चले तो थोड़ी सी हवा। बात यह है कि बिजली का कनेक्शन पहले पूर्णिया मोड़ से थे, अभी कट के कर दिया है बेलगच्ची। मैं यहाँ के विधायक से मांग करना चाहता हूँ, जब विधायक है मैं उससे मांग करना चाहता हूँ कि बिजली का समस्या को हल करने के लिए, सुव्यवस्था करने के लिए बिजली जो है पूर्णिया मोड़ से होनी चाहिए, बंगाल से होनी चाहिए, ताकि यहाँ के गरीबी क्या कहते हैं गर्मी का जो राहत मिले।